बहुत समय पहले इटली के एक नगर जेनोवा में एंटोनियो नाम का एक सौदागर रहता था। एक दिन एंटोनियो ने अपने जहाज में सामान सब भरा और दूर दराज के द्वीपों की यात्रा पर चल पड़ा। उसकी योजना उन मसालों को खरीदने की थी जिनकी उसके देश में बहुत मांग थी। वहां पहुंचकर वह एक द्वीप से दूसरे द्वीप गया। उसने मखमल देकर दालचीनी, गुड़िया देकर लौंग, चमड़े की पेटियां देकर जायफल खरीदा। एक द्वीप पर वहां के राजा ने उसे भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन जब वह दावत के लिए बैठा तो एंटोनियो ने कई सेवकों को लाठियां पकड़े देखा। प्रतीत हो रहा था कि वह सब किसी को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, वह सोचने लगा, यह पहरेदार क्या कर रहे हैं। जब भोजन परोसा गया तो एंटोनियो को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। व्यंजनों की सुगंध पाकर दर्जनों चूहे अचानक वहां आ गए। पहरेदार चूहों के पीछे यहां वहां भागने लगे और लाठियों से मारकर उन्हें हटाने लगे। एंटोनियो स्तब्ध रह गया। महाराज, उसने कहा, क्या इस द्वीप पर बिल्लियां नहीं है? राजा चकित हो गया। बिल्लियां? उनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, वह क्या होती है? बिल्लियां मुलायम बालों वाली छोटी पशु होती है और शिकार करना उन्हें अच्छा लगता है, एंटोनियो ने बताया। चूहों का पीछा करना उन्हें सबसे अधिक पसंद है। इस द्वीप से वह आनन फानन में चूहों का सफाया कर देंगी। सच में? राजा ने पूछा। हमें कुछ बिल्लियां कहां मिलेंगी? अगर हमारे लिए तुम कुछ बिल्लियां ला दो तो हम तुम्हें मुंह मांगी मूल्य देंगे। बस बताओ कि मूल्य क्या है। बिल्लियों का मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है, एंटोनियो ने कहा। हमारे जहाज पर बहुत बिल्लियां हैं। आपको कुछ बिल्लियां देकर मुझे प्रसन्नता होगी। एंटोनियो चल दिया और शीघ्र ही एक धारीदार बिल्ली और एक बड़ा बिल्ला लेकर लौट आया। जब उसने दोनों को खुला छोड़ दिया तो चूहे डर कर भोजन कक्ष से भाग गए और बिल्लियां उनका पीछा करती रही। कितनी आश्चर्यजनक पशु है यह, राजा खुशी से चिल्लाया। धन्यवाद मेरे मित्र, अब बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा ने एंटोनियो को मूल्यवान रत्नों और चमकदार हीरों से भरा एक संदूक दिया। महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एंटोनियो ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार न था। एंटोनियो, तुमने हमें बहुमूल्य उपहार दिया है और इस द्वीप पर हमारे पास इतने मूल्यवान रत्न और जवाहर हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका क्या करें। इन उत्तम पशुओं के बदले में हमारी यह भेंट तुम कृपया स्वीकार कर लो। एंटोनियो अपने नगर जेनोवा लौट आया और अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसके सौभाग्य पर सब प्रसन्न थे सिवाय ल्यूजी के, जो नगर का सबसे धनी सौदागर था। जब उसने यह बात सुनी तो उसे ईर्ष्या होने लगी। दो निकम्मी बिल्लियों के बदले में उस द्वीप के राजा ने इतने अनूठे रत्न और जवाहर एंटोनियो को दे दिए। ल्यूजी ने अपने आप से कहा, अरे ऐसा उपहार तो राजा को कोई गरीब किसान भी दे सकता था। कल्पना करो, ऐसी वस्तु जो सत्य में मूल्यवान हो अगर मैं राजा को भेंट में दूं तो न जाने वह मुझे कैसा उपहार देगा। और ल्यूजी ने अपने जहाज में उत्कृष्ट मूर्तियां, उत्तम चित्र और सबसे बढ़िया वस्त्र भर लिए। तब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने झूठ बोला। उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह एंटोनियो का मित्र था। यह बात जानकर राजा ने ल्यूजी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। जब ल्यूजी के साथ आए बहुमूल्य उपहार राजा ने देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गया। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रभावित हूं ल्यूजी, राजा ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। कुछ समय बाद ल्यूजी को शाही दरबार में बुलाया गया। तुम्हारे उपहार के विषय में हमने बहुत चर्चा की है ल्यूजी, यह बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने एक उत्तम उपहार चुन लिया है, वह सच में बहुमूल्य है। इतना कहकर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि उपहार ले आएं। ल्यूजी बड़ी कठिनाई से अपनी उत्तेजना को दबा पाया। उसे विश्वास था कि जितने हीरे जवाहरात एंटोनियो को मिले थे उससे 20 गुना अधिक उसे अवश्य मिलेंगे। मखमल के कपड़े से ढका हुआ रेशम का एक गद्दा राजा ने ल्यूजी को भेंट किया।
जब लुईजी ने मखमल का कपड़ा उठाया तो वह अवाक हो गया। गत्ते पर एक रोएदार गेंद था। जब गेंद हिला तो लुईजी को समझ में आया कि वह था बिल्ली का बच्चा। तुम्हारे मित्र ने जो अनमोल बिल्लियां हमें दी थी उन्होंने अभी अभी बच्चे दिए हैं, क्योंकि तुमने हमें इतने शानदार उपहार दिए हैं इसलिए अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु हम तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। लुईजी ने जब राजा के प्रफुल्लित चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि राजा के लिए बिल्ली का छोटा सा बच्चा उन सारी बहुमूल्य वस्तुओं से अधिक मूल्यवान था जो उसने राजा को उपहार में दी थी। वह समझ गया कि मुस्कुरा कर प्रसन्नता से राजा का उपहार स्वीकार करने का नाटक करना ही उचित होगा, और उसने वैसा ही किया। और यद्यपि लुईजी धनवान बनकर घर ना लौटा परंतु वह अधिक बुद्धिमान अवश्य हुआ।